देने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा देगा अच्छी वस्तु, अन्य भाषा के वरदान देगा, नौ वरदानों से भरेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, लाभ देगा, सफलता देगा। आपको परमेश्वर मसीह के नाम में आप मांगे, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं कौन देगा? कहे उसे अभी, कहे अभी, कहे अभी, कहे पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी 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 शूल, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूल, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूल, पवित्र आत्मा जी इन्हें 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 शूल, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने शूल, 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 पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने शूल, 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 पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी जी, पवित्र आत्मा जी ब्लेस करें, ओ लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने शूल, पवित्र आत्मा जी ने शूल, रबरा बाबा रा सबर रा बसिखा ला रा सखो बवनी तिबिरी निमा तबर वो सिविरी री बिशी ना बाला बाला ला वरा दबर नमा। अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? बिना किसे तो खोया मैं यीशु विच जीना हां, मैं यीशु विच जीना, ओ रे बारा बाबा बस सबर रा सखल बर नमा। चिंता होया यीशु विच जीना हां, मर के भी जिंदा होया, पिता जो आनंद यीशु मले जावे ना किसे तो खोया, पिता जो आनंद यीशु ने। पवित्र आत्मा में भरता प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वो तुम्हें हसमुख करेगा, क्योंकि वो तुम्हें हसमुख करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें हसमुख करेगा और तेरे मुंह से जय जयकार कराएगा। और आज आपको हसमुख करने के लिए, आज आपको आनंदित करने के लिए परमेश्वर ने अपने मुंह से बोल दिया है, अपने मुंह से बोल दिया है आपको आनंदित करने के लिए। और इसलिए आप अब जय जयकार करें। जावे ना किसे तो खोया, वचन दिया के असी हर वेले सेक दिया, डिगया शैतान नू डिगा होया वेख दिया। वचन दिया के असी हर वेले सेक दिया, डिगया शैतान नू डिगा होया देख दिया। हराया शैतान साडे लई, हराया शैतान साडे लई, फिर नियो खड़ा होया, हराया शैतान साडे लई, फिर नियो खड़ा होया। हालेलुया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया। मैं यीशु विच जिंदा हां, मैं यीशु विच जिंदा हां, मर के भी जिंदा होया, यीशु विच जीना हां, मैं यीशु विच जीना हां, मर के भी जिंदा होया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने, जावे ना किसे तो खोया, दिता जो आनंद यीशु ने। ओरी बारा बाबा बस बारा रा सखला बारा रा बारी दा बारा लबा ओरी बेरी री बेरी री बेरी री बिशरी बेरी री इंदा रा रा बाबा रा लबा लबा ला बारा दा बारा नमा ये बेरी री बेरी री बिशरी बेरी री बिशरी दा बाला बाला ला बारी री बेरी री इंदा रा सबारा रा
basile bi nimi kebere de bitige de bishi nimi tere gele bere de be ori bara na baba la la bara na ma ori bere de sikere de bere de bere de bara na ma se bere de bishi de bara na ma o lord jesus sri mata baba da bala bala la ba kere bere de bitige de bitige de bishi de bere de bishi de bala 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 la bara na ma ori bara basa bara na basa kar mata na ma जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु आनंद के साथ जावे ना किसे तो खोया मैं यीशु विच जीना मैं यीशु विच जीना मर के भी जिंदा होया पवित्र आत्मा में भर कर प्रभु की आराधना करें पवित्र आत्मा में भर कर मर के भी जिंदा होया हालेलुया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया दिता जो आनंद यीशु ने जावे ना किसे तो खोया पूरी बार नाम से शैतान के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से बीमारियों के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से कर्जे के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से अंधकार के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से नरक के बंधन टूटे अधोलोक के बंधन टूटे प्रभु यीशु के नाम से और आशीषित रहे प्रभु यीशु के नाम से जो सब लोग आनंदित हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंदित हो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से आनंदित हो प्रभु यीशु के नाम से आनंदित हो प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया सो एक वचन देखते हैं मत्ती 7 अध्याय 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा मांगो मतलब कहो कहो तो तुम्हें मिल जाएगा कहो तो तुम्हें दिया जाएगा मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा हालेलुया स्वर्गीय पिता अपने अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा स्वर्गीय पिता कौन जल्दी जल्दी से कौन स्वर्गीय पिता किसको मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा और लूका 11 है 13 वचन में लिखा है कि अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा जन के स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या देते हैं अच्छी वस्तुएं पवित्र आत्मा भी अच्छी वस्तु है अच्छी वस्तुएं देते हैं मुझे आप यह बताइए बीमारी अच्छी वस्तु है या चंगाई बीमारी अच्छी वस्तु है या चंगाई चंगाई अच्छी वस्तु है तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को चंगाई क्यों ना देगा हालेलुया किसको अपने मांगने वालों को क्योंकि चंगाई क्या है अच्छी वस्तु है तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को चंगाई क्यों ना देगा अपने मांगने वालों को क्या देगा चंगाई देगा हालेलुया अगर आप स्वर्गीय पिता से मांगेंगे आपको अच्छी वस्तु यानी कि चंगाई देंगे प्रभु परमेश्वर हालेलुया हालेलुया दुष्ट आत्मा अच्छी वस्तु है या दुष्ट आत्मा से छुटकारा अच्छी वस्तु है भूत जो होते हैं भूत अच्छी वस्तु है नहीं अच्छी वस्तु छुटकारा क्या है अच्छी वस्तु है तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा क्यों ना देगा दुष्ट आत्मा से छुटकारा देगा हालेलुया किसको मांगने वालों को कौन
गया पिता। हालेलुया। सफलता अच्छी वस्तु है या असफलता? सफलता अच्छी वस्तु है, सक्सेस सफलता अच्छी वस्तु है। तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को सफलता क्यों ना देगा। हालेलुया। अपने मांगने वालों को स्वर्गीय पिता सफलता देगा। स्वर्गीय पिता से मांगने वालों को स्वर्गीय पिता सफलता देगा। किसको? मांगने वालों को। मांगना मतलब कहने वालों को। जो स्वर्गीय पिता से आप कहेंगे वो सब अच्छी वस्तुएं तुम्हें मिलेंगे। नरक अच्छी वस्तु है क्या स्वर्ग अच्छी वस्तु है? तो फिर क्यों नरक की ओर जा रहे हैं कई लोग? तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को स्वर्ग क्यों ना देगा? लाभ अच्छी वस्तु है या हानि? लाभ अच्छी वस्तु है। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को लाभ क्यों ना देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं जानते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं जानने के लाभ क्यों ना देगा? लाभ देगा। हालेलुया, हालेलुया। भूख मरी अच्छी वस्तु है या बहुतायत का जीवन अच्छी वस्तु है? बहुतायत का जीवन अच्छी वस्तु है। तो आप इसको ऐसे पढ़ें, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को बहुतायत का जीवन क्यों ना देगा? क्यों भूखमरी में पड़े हैं? क्यों हानि में पड़े हैं? क्यों नरक की ओर जा रहे हैं? क्यों असफलता में पड़े हैं? क्यों दुष्टात्मा में पड़े हैं? क्यों बीमारियों में पड़े हुए हैं? मांगे स्वर्गीय पिता से। हालेलुया। मांगे स्वर्गीय पिता से, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? निश्चय आपको अच्छी वस्तुएं देगा। हालेलुया। पाप की अवस्था जो होती है, जनक हालात होते हैं, वो अच्छी वस्तु है या धार्मिकता की अवस्था? धार्मिकता की अवस्था अच्छी वस्तु है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को धार्मिकता की अवस्था आपको क्यों ना देगा? हालेलुया। जन के पाप की अवस्था जो हालात है वहां से छुड़ाकर धार्मिकता के आपको वो वस्त्र पहनाएगा। हालेलुया। और जिनके खेती है जहां आपका बिजनेस है, खेती में बढ़ोतरी जो है वो अच्छी वस्तु है या घाटा अच्छी वस्तु है? बढ़ोतरी अच्छी वस्तु है। सो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, जिनकी खेती है ऐसा पढ़ सकते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को खेती में बढ़ोतरी, खेती में वादा बढ़ोतरी क्यों ना करेगा? हालेलुया। निश्चय वादा करेगा। और पशुओं का नुकसान अच्छी वस्तु है या पशुओं का फलवंत होना अच्छी वस्तु है? पशुओं का फलवंत होना अच्छी वस्तु है। सो स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पशुओं को फलवंत क्यों ना करेगा? हालेलुया। निश्चय फलवंत करेगा। आपके बिजनेस को क्यों ना फलवंत करेगा? निश्चय आपके बिजनेस को फलवंत करेगा। हालेलुया। और कलीसिया की बढ़ोतरी अच्छी वस्तु है, कलीसिया की बढ़ोतरी। और मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी कलीसिया क्यों ना देगा? मांगने वालों को अच्छी कलीसिया देगा। अगर आप चर्च को शुरू कर रहे हैं या चर्च शुरू कर रखा है, अच्छी कलीसिया आपको देगा। और चर्च बिल्डिंग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चर्च बिल्डिंग क्यों ना देगा? हालेलुया। निश्चय देगा। हमारे चर्च में जो लोग आते हैं वो हैरान हो जाते हैं आकर चर्च को देखकर, अरे या तो ये बाहर की संस्था ने पैसा दिया है बनाया है या किसी संस्था ने बनाया है। जब मैं उन्हें कहता हूं ये किसी भी संस्था ने नहीं बनाया, ये हम लोग किसी भी संस्था के साथ अटैच नहीं है, किसी भी बाहर की विदेश की संस्था के साथ या इंडिया की किसी संस्था के साथ अटैच नहीं है, हाँ हमारी खुद अपनी संस्था है, ट्रस्ट है हमारा। सो लोग हैरान हो जाते हैं भी इतना बड़ा चर्च अब कैसे बन गया। सो मैं आपको कहता हूं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा अच्छी वस्तु है या दुष्ट आत्मा? पवित्र आत्मा। सो इसलिए वहां लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को नौ वरदान क्यों ना देगा? निश्चय आपको वो नौ वरदान देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको नौ वरदान मांगने वालों
वालों को देगा। जो आपके पास में बैठा है वो मांग रहा है वो ले जाएगा। आप पास में बैठे हैं नहीं मांग रहे आपको नहीं मिलेगा। जो मांगेगा अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। लिखा है जब तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो पिता उसे पत्थर दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। आपको मांगना है, किससे मांगना है? स्वर्गीय पिता से। किससे मांगना है? स्वर्गीय पिता से आपको मांगना है। सो हो सकता है पहले आप किससे मांगते हो, किसी पेड़ से, किसी पौधे से मांगते हो, लेकिन अब आपको मांगना है स्वर्गीय पिता से। हो सकता पहले आप किसी पशु से मांगते हो, किसी पक्षी से मांगते हो, किसी जानवर से मांगते हो, लेकिन अब मांगना है स्वर्गीय पिता से मांगना है। हो सकता है आज से पहले आप ईंटों से मांगते हो, मरे हुए उससे मांगते हो, किसी बाबा से मांगते हो, किसी तांत्रिक से मांगते हो, या मां और पिता से पैदा हुए किसी व्यक्ति से मांग रहे हो, लेकिन आज से आपको मांगना है स्वर्गीय पिता से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वहां पर प्रार्थना जो लिखी हुई है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हैं और वो स्वर्गीय पिता से आप जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल ये हमें सिखाती है कि मांगना किसके नाम में है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो आज अभी मैं आपको मौका देता हूं, आज आप अभी मांगे पिता से, अभी आप स्वर्गीय पिता से मांगे। अगर आप उसके बेटे नहीं बने तो यूहन्ना की अंजील 1:12-13 कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने विश्वास नहीं किया और परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी बन सकते हैं। हालेलुया। और फिर आप पुकार सकते हैं स्वर्गीय पिता हमारी ये है अच्छी वस्तु हमें दे। हालेलुया। आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता आपको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अभी मांगना शुरू कीजिए, अभी कहना शुरू करें, अभी स्वर्गीय पिता से कहना शुरू करें। अपने बाइबल को एक साइड पर रख दीजिए, अभी अभी कहना शुरू करें, अभी कहना शुरू करें। अगर आप घुटने टेकने चाहते हैं घुटने टेक सकते हैं, अगर आप खड़े होना चाहते हैं खड़े हो सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अभी स्वर्गीय पिता से मांगे, अभी मांगे स्वर्गीय पिता से, अभी मांगे, थोड़ा सा समय है हमारे पास, अभी मांगे आप स्वर्गीय पिता से मांगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आप जो भी अच्छी वस्तु चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, बीमारियों से चंगाई पाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन संपत्ति पर आशीष चाहते हैं, जो भी आप आशीष चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आज। आप मांगे, आप मांगे, आप अपने लिए मांगे, आप अपने बच्चों के लिए मांगे, आप अपने परिवार के लिए मांगे, जो कुछ भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। आज आज मांगे, आज मांगे, आपको समय देता हूं, आज आज मांगे, आज आप स्वर्गीय पिता से मांगे, स्वर्गीय पिता से प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे। वो जो कुछ भी अच्छी वस्तुएं हैं आपके जीवन में वो पूरी करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप चाहें, जो भी अच्छी वस्तुएं हैं, चंगाई को मांगिए, छुटकारे को मांगिए, पापों की क्षमा को मांगिए, सफलता को मांगिए, आशा को मांगिए, स्वर्ग को मांगिए, लाभ को मांगिए, बहुतायत का जीवन मांगिए, धार्मिकता को मांगिए और बढ़ोतरी को, लाभ को मांगिए, कलीसिया को मांगिए, चर्च बिल्डिंग को मांगिए, जो कुछ भी अच्छी वस्तु है आज मांगे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। हालेलुया। वो सब आपके लिए पूरा होने वाला है। अभी मांगे स्वर्गीय पिता। प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो
तो स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आज मांगे अपने बच्चों के रिश्तों को, मांगे अच्छी जगह पर रिश्ते हो आपके बच्चों के उसको मांगे, आपके बच्चों के जो है बिजनेस फलवंत उसको मांगे, आपके बच्चों के पति और पत्नी जो आपकी बहू और बेटा वो एक होकर रहे उसको मांगे, जो भी आपका पति अगर आपके आपके साथ मिलकर नहीं रहता तो उसको मांगे, आपके आपकी पत्नी आपके साथ मिलकर नहीं रहती तो उसको मांगे, जो कुछ भी अच्छा है आज मांगे, आज मांगे, अभी मांगे, आप भी अभी मांगे, अभी मांगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आज पवित्र आत्मा को भी मांगे, पवित्र आत्मा को वरदानों को मांगे, जो कुछ भी आप चाहते हैं आपके लाभ के लिए अच्छी वस्तुएं हैं सबको आज मांग ले, सबको आज मांगे। ओ क्यों ना भरेगा, आज वो आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना चाहता है, आज वो आपको चंगाई देना चाहता है, आज वो आपको परमेश्वर के नाम में छुटकारा देना चाहता है, आज प्रभु यीशु के नाम से जो आपके लाभ के लिए है वो सबको ले लीजिए, जो आपके लाभ के लिए उसको ले लीजिए। स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा देगा अच्छी वस्तु, अन्य भाषा के वरदान देगा, नौ वरदानों से भरेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, लाभ देगा, सफलता देगा आपको परमेश्वर मसीह के नाम में। आप मांगे, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों देगा, कहें उससे अभी कहें, अभी कहें, अभी कहें, अभी कहें, स्वर्गीय पिता मुझे ये चाहिए, 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 अभी कहें। स्वर्ग पिता से मांगे, 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 आज छुटकारे को मांगे, वो सब अच्छी वस्तुएं आपको देना चाहता है, अच्छी वस्तुएं आपको देना चाहता है, वो सब अच्छी वस्तुएं आपको देना चाहता है, वो सब अच्छी वस्तुएं आपको देना चाहता है, वो सब अच्छी वस्तुएं आपको देना चाहता है। स्वर्गीय पिता से मांगे, 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 वो सब आपको अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता से मांगे, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। आज स्वर्गीय पिता से मांगे, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और मांगे, उससे कहे ओ रेबारा सावरा रबा सिखला बरनामा, पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को मांगे, सामर्थ के काम करने के वरदान को मांगे, चंगाई के वरदानों को मांगे, अन्य भाषा के वरदान को मांगे, आप मांगे, आप कहे हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को लाभ मिले, हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को लाभ मिले, इन लोगों को लाभ मिले, हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को पवित्र आत्मा मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को पवित्र आत्मा मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को पवित्र आत्मा के नौ वरदान मिले। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ इन लोगों को पवित्र आत्मा के नौ वरदान मिले, पवित्र आत्मा के नौ वरदान मिले, पवित्र आत्मा के नौ वरदान मिले। स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता, चंगाई को मांगता हूँ, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगाई को मांगता हूँ इन लोगों के लिए, इनके जीवन में चंगाई आए, इनके परिवार में चंगाई आए, इनके जीवन में चंगाई आए, स्वर्गीय पिता 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 इनके जीवन में चंगाई आए, छुटकारा आए इनके जीवन में, छुटकारा आए, धन संपत्ति पर आशीष हो, स्वर्गीय पिता आशीष हो, आशीष हो, आशीष हो, मांगता हूँ आस, आप भी मांगे, स्वर्गीय पिता मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान को आपके लिए,
स्वर्गीय पिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ अन्य भाषा के वरदान को, इन्हें मिले अन्य भाषा का वरदान। पवित्र आत्मा से जब भर स्वर्गीय पिता मांगता हूँ, मांगने वालों को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, आप इन्हें पवित्र आत्मा दे। रब्बा सवर रस खल्ला रस सिविरी बिशिदा बाला बर नमा हो रस सवर रस खब्बा बो सिविरी बिशिदा बाला खरियो तबर नमो तब बर सब खरी जीज सिकिरी बिनी निमा हो रस सवर रस खब्बा बरो तबर निमा तब बाला बर नमा तब बर सिविरी बिशिखला रस सवर नमा इंदर रस सवर रो सुखो बबनी तेरी सिविरी सिखला बर नमा पर विशेष मसीरी सिविरी बिशिला बाल रोस्तो वरनीमा इंदरी सिविरी ने बिशिदाला सब खरा रबा इंदरा सब खोर ये सिविरी नीमी तेरी गिर गिरी वो सब खोर बरनमा तबला बर रस सब खरा नमा अपने पौत्र आत्मा का वरदान से भर दीजिए, अपने पौत्र आत्मा से भर दीजिए, अन्य भाषा के वरदान से भर दीजिए। हो लॉर्ड जीसस रस बब्बा मत मेरी रिपेस वरना हो लिया रस खरा सवर नीमा तिप्रिय वो सब खो बबा निमित बर नस वाले लबा हीरा बबा सिविरी बिशिद बर नमा आज अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए, 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 अपनी सामर्थ्य से सामर्थ्य 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 स्वर्ग पिता मांगता हूँ परमेश्वर के नाम से सामर्थ्य को, स्वर्ग पिता अच्छी वस्तुओं को मांगता हो, आपके सामर्थ को मांगता हो, आपके सामर्थ को मांगता हो, आपके सामर्थ को मांगता हूँ स्वर्ग पिता, आपके सामर्थ को मांगता हो। ओरे बारा रा सा वाला बाला बर रा बरी दा बाला बर नमा ओरे बीरी री बिशी दे बीरी री बिशी दा बाला बर नमा इंदा बर नमा तेरी बीत गिरी निबी इंदा बीरी निमी तेरी बीत गिरी री बिशी दा बाला बर नमा ओ लॉर्ड जीसस जीसस ओरे बारा बाबा सीधा बर नमा आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, आज आप मांगे स्वर्ग पिता आपको पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, आज आप मांगे स्वर्ग पिता से मांगे, स्वर्ग पिता से आज 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 मांगे, स्वर्ग पिता स्वर्ग पिता स्वर्ग पिता स्वर्ग पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर के नाम से मांगते हैं पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा के वरदानों को। ओ रब रस सवर रस सवर रब तो बबल इन बिरी निमा तबल बर रब तबल बल लब रिद बल बल लब हिंद बल बर बब रिद बब रो सिविरी रि बिशिद बल लब तिबिरी रि बिशिद बिर निमा ओ लब बर सर बर नमा अपनी आत्मा से भरे, अपने सामा से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने अभिषेक से भरे, अपने सामा से भरे स्वर्गीय पिता, 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 अपने सामा से भरे, अपने सामर 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 स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को सामर्थ क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर 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 अभिषेक 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 पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए। होरी बारा बाबा बस सिविरी बिशरा बन नमा सब पवित्र आत्मा में भर कर, 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 रो बाबा रा सवर रा सखल बर ला सवर लबा ओ रा बारा बाबा बाबा सवर लबा पवित्र आत्मा जी ने शूले, पवित्र आत्मा जी ने शूले, पवित्र आत्मा जी 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 शूले, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूले, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी शूले, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी इन्हें शूले, 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 पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी ने शूले, 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 पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने शूले, 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 पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी जी पवित्र आत्मा जी ब्लेस करें। ओ लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा जी ने शूले, पवित्र आत्मा जी
पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, पवित्र आत्मा जी ने छू ले, रबरा बाबा रा सबर रा बा सिखला रा सब को बवनी तिबिरी निमा तबर वा सिविरी री बिशी रा बला बला लवर रा दबर नमा अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा जो अन्य भाषा का वरदान चाहते हैं वो मांगे और बोलना शुरू करें और बाला 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 लबरी दबरे रस खा रही और वरी नीमा तिबरी री बिशी दबरे नमा दोर बाला बाला लबा और बीरी री बितीरी बित के री बिशी दबरे बाला लबा फिर अब बाला लबरे री बिशी दबरे नीमा ओ लॉर्ड जीसस धनी वहां पर विश्व मसीह धनी वहां पर विश्व मसीह धनी वहां मेरे परमेश्वर जी धनी वहां पर विश्व मसीह जी धनी वहां पर विश्व मसीह धनी वहां मेरे परमेश्वर धनी वहां पर विश्व मसीह धनी वहां पर विश्व मसीह धनी वहां मेरे पर विश्व मसीह ओ लॉर्ड जीसस धनी वहां मेरे परमेश्वर धनी वहां पर विश्व मसीह जी आप अगर यहां पर आगे हैं या पीछे जहां पर भी हैं पवित्र आत्मा आपको छू लेगा इसलिए अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं अपने दोनों हाथ उठाकर प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाएं पवित्र आत्मा जी इन्हें शूल है 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 पवित्र आत्मा जी पवित्र आत्मा जी ने शूल है पवित्र आत्मा जी लोगों को शूल है पवित्र आत्मा जी ने शूल है पवित्र आत्मा जी ने शूल है पवित्र आत्मा जी ने शूल है ओ लॉर्ड जीसस पवित्र आत्मा जी ने शूल है जीसस 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 हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा इस बात को याद रखिएगा और आपकी सब गुम हुई वस्तुएं आपको मिल 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 जाएंगे नहीं मिल गई है हालेलुया जोरदार परमेश्वर के लिए एक ताली बजाए हैं रबरा सखा बबरो सबर रा सखा लबर नमा प्रभु यीशु मसीह के लिए रबरा बाबा बाबा सबर रा सखा लबर नमा तिबिरी रिबिशी दबर रबा सीधा बर रबा